आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का जो छोटा सा माइक होता है, माइक को आपको हल्का तो साफ करना है। होता क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है, तो ध्यान रखना है माइक को हल्का तो साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहां पर आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, तो नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे आपको टैप करना है। अब यहां पर आपको ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में दोबारा से फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखते हैं आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीका आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।